नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ के लिए बात करेंगे। 22 जनवरी 2020 है आज, और जो एग्जाम है 22 मार्च 2020 को है। कुल मिला के आपके पास मोटे मोटे 55 के आसपास दिन बचे हुए हैं। इतने दिन अभी भी सफिशियंट हैं, इतने दिन इतना सफिशियंट है कि इवन आप यूपी पीसीएस का अपर पीसीएस का प्रीलिम निकाल सकते हैं। और बीईओ को कहीं से भी कम ना समझिए, कोई भी इसको ऐसा ना समझे कि ये नॉर्मल कोई एकदम आसान सा एग्जाम होगा। बीओ की वैकेंसी अगर आप देखेंगे, काफी सालों बाद आई, 7-8 सालों बाद, भयानक कंपटीशन है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जरा सा भी पीछे रहेगा तो जो बाकी लोग हैं आपके कॉम्पिटिटर, आपको एकदम खा के चबा के फेंक देंगे। सिंपल बात यह है, अगर आपको रेस में आगे रहना है तो फिर जो है स्मार्ट तरीके से लगातार लगे रहना पड़ेगा। ये वाला एग्जाम पोस्टपोन होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लगातार आप जो है पढ़ते रहिए। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपके लिए फाइनेंशियली वायबल हो, तो जो स्टडी आवर्स है उसको बढ़ाइए। उसको जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए ऐसे नहीं होता है सब कुछ, कई सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अभी आप देखेंगे कि 300 समथिंग वैकेंसी, 309 है वैकेंसी शायद, जहां तक मुझे याद है। और जो फॉर्म अभी भरे थे, मैंने देखा था एक न्यूज में, करीबन 5.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मतलब आप समझ रहे हैं, 1700 लोगों पे एक है, एक बंदे का स्टूडेंट होगा या बंदी का। 1700 लोगों, यानी कि 1700 लोगों को चीर के आप आगे जा सकते हैं प्री में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी कितने लोग को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस अपर पीसीएस का पैटर्न है कि अब वो मेंस के लिए 13 गुना ले रहे हैं। यहाँ कितने ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 4,000 साढ़े 4,000 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा 5,000 हो गया। तो आपको 5.25 लाख लोगों में से टॉप 5,000 में आना है, तभी बीईओ का प्री निकाल सकते हो। ये है चीज, अभी बहुत सफिशियंट टाइम है, 55 दिन बहुत होते हैं। आप जो है जुट जाइए बिल्कुल, और सारी चीजें जो है छोड़ के जिनका भी बीओ टारगेट है इस पे फोकस करिए। यही एक जो है आपको सफलता दिलाएगी। फिर से एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर जो है 22 मार्च एग्जाम को एग्जाम है, मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5 मार्च 2020 तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बीओ वाले ग्रुप में 1 मार्च 2019 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक का करंट अफेयर दे दिया है। उसको खा लो, रट लो बिल्कुल, जो है दिमाग में बसा लो, घुसा लो। अब जब बाकी जो 2 महीने का करंट अफेयर है वो आपको मैं दे दूंगा, जैसे ही होता जाएगा, हर महीने के एंड पे बनता है करंट अफेयर। इसके अलावा इसमें बजट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट अभी आएगा फरवरी स्टार्टिंग में, बजट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। बजट के जो चीजें हैं वो आपको दे दी जाएंगी, बजट इकोनॉमिक सर्वे, अगर यूपी बजट आया इससे पहले तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर यूपी करंट अफेयर जो है हमारा दिसंबर तक का है, वो भी आपको दे दिया जाएगा अभी फरवरी के एंड तक अपडेट करके। यूपी करंट अफेयर कितना जरूरी है, वो आपका जरूरी है फरवरी एंड तक, समझ लीजिए आप, फरवरी एंड 2020 तक का, पिछले एक साल का, ठीक। ये हो गया ये टोटल करंट अफेयर का हिसाब किताब। अब टोटल करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए सबसे पहले बताया मैंने, जितना हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, उसको रट ले डालिए। उसमें जो है फालतू का इधर उधर की चीजें जो है दिमाग लगाए हुए, आप प्लीज इसको बस उसको रट डालिए। जो बोला जा रहा है बस आप उतना करिए। आपके रिजल्ट से हमारा रिजल्ट जुड़ा है, अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो हम भी मतलब एक तरह से फेल हो जाएंगे। इसीलिए ये सब ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे आपको जो है, आप मैं हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो। तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, जैसे बताई जा रही हैं, जो चीज दी जा रही है ग्रुप में, सारी पीडीएफ जो है आपको, अगर आपने जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ ली तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिल्कुल पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। करंट अफेयर में ये हो गया, 11 सेक्शन है बीओ के, ठीक है। तो 11 सेक्शन में एक सेक्शन है करंट अफेयर। मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, 120 क्वेश्चन में करीबन 15-20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर आने की उम्मीद है, इससे कम नहीं जाएगा, यही वेटेज रहता है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि करंट अफेयर हर चीज का हो सकता है। अगर मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर की कोई चीज है, कोई जो है डांस फॉर्म एकदम से चर्चा में आ गया, तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। तो बात समझ रहे हैं आप, करंट अफेयर को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। उसके बाद 2 सेक्शन है, एक रीजनिंग और मैथ्स। अब लोग सोच रहे होंगे कि इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आने की उम्मीद है मेरे हिसाब से, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस बस यहाँ पे की जा सकती है, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जा सकता है। हमने सब स्टडी मटेरियल भी दे रखा है आपको, और लगातार आपकी क्विज हो रही है, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो ये यूपी पीसीएस के आरओ वाले पेपर थे, उसमें जो जिस हिसाब से रीजनिंग और मैथ्स होता है, वो हमने उस हिसाब से स्टडी मटेरियल दे रखा है आपको। लेकिन फिर भी रीजनिंग और मैथ्स के लिए
आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट हो तो प्लीज डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करते रहिए, ठीक है। वहां पे जो एडुकेटर हैं वो आपको सारी चीजें बताते जाएंगे। तो मतलब कि अगर आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो आ सकते हैं रीजनिंग मैथ्स मिला के। हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आएंगे, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो जरूर, मतलब आप एकदम ही शून्य नहीं होने चाहिए रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है। और आरओ के पेपर भी जो है प्रीवियस ईयर के, वो सब चीजें हमने यूट्यूब में दे रखी हैं। यहाँ भी मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि आरओ के जितने पेपर हैं, जो एक्चुअली बीओ वाला जो है वो आरओ से कनेक्टेड इसलिए हो रहा है क्योंकि बीओ का जो सिलेबस है वो आरओ के सिलेबस से जो है खींच के निकाला गया है, तो इसमें जो पैटर्न है वो आरओ की तरह बनेगा। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हिंदी नहीं पूछी जाएगी आपसे, और आरओ में जो है वो रीजनिंग आती है सिर्फ, यहाँ मैथ्स भी डाल दिए, बस ये थोड़ा सा चेंज है माइन्यूट सा। तो 3 जो है पॉइंट मैंने बताया आपको 11 में से कि क्या करना है। अब बाकी जो बचे 8 पॉइंट है वो एक मोटा मोटा जीएस का पार्ट है, ठीक है। साइंस का एनसी, साइंस का देखिए क्या करना है, मतलब ध्यान से समझिए, 55 दिन है आपके पास, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझे जा सकते हैं, कई सारे चीजें जो है डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, लेकिन एग्जाम निकाला जा सकता है। ये एक बात समझ लीजिए, जितना हमने मटेरियल दिया है एग्जाम आप निकाल सकते हो, ये गारंटी है। क्यों गारंटी है ये? क्योंकि ये बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने, हमने यूपी पीसीएस के लिए ही तो मेन काम किया है, और बीओ का जो पैटर्न है वो यूपी पीसीएस का है पूरा इस बार, इसलिए जो चीज आपको दी गई है वो सारी रट डालिए। अगर आपने सारी पीडीएफ हमारी, यानी कि जितनी समरी पीडीएफ है उसको मिला लिया, सारा रट डाला, टेस्ट सीरीज रट डाली, करंट अफेयर रट डाली, प्लस मैं कुछ स्पेशल पीडीएफ दूंगा वो रट डाली, आप बीओ में जो है कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, ये मैं बता रहा हूं। 120 में चाहे कितना भी कट ऑफ जाए, 100 200 नंबर का जो भी पेपर है, जैसे अगर आप देखें, हाँ तो ये वाला पेपर जो है अगर आप देखेंगे इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर में, ठीक है। और 3 सेक्शन मैंने आपको बता दिए, 11 टोटल यहाँ पे सेक्शन, 11 जो है सेक्शन है इसमें सिलेबस में पूरे, और निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा 1/3 की, ठीक है। तो ये सबको कंसिडर करते हुए 300 नंबर में से कट ऑफ बनेगा। लेकिन अगर आप बीओ का कंपटीशन देखें उसमें ये पाएंगे ये चीज कि चाहे जितना भी मतलब कट ऑफ कम जाए तो किसी भी कीमत पे कट ऑफ जो है यूपी में 60-65% से कम नहीं जाता है। जहां तक बीओ के एग्जाम की बात रही, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टफ है, 309 पोस्ट है, पोस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें लिखा जरूर है कि घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी तक ऑफिशियल उम्मीद तो नहीं कि वो बढ़ने के चांसेस हों, ठीक है। अगर आएगा तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन आप ये मान के तैयारी करिए कि अगर 300 नंबर हैं आपके तो 300 नंबर में आपको कितने नंबर लाने, ये आपका जो है टारगेट फिक्स होना चाहिए। कम से कम आपको 210 नंबर लाने पड़ेंगे प्री में, 210 नंबर की तैयारी करनी है आपको, 120 क्वेश्चन है 300 में से, निगेटिव के साथ बता रहा हूं मैं ये। और दूसरी चीज ये है कि जब टेस्ट सीरीज हुआ करे आपकी ग्रुप में तो निगेटिव, क्योंकि है परीक्षा में तो अटेम्प्ट वैसे ही अपने जो मार्क्स कैलकुलेट किया करिए, 70% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे प्री में होने के लिए, 70% का टारगेट मानिए आप। अब 210 का टारगेट मानेंगे कट ऑफ जो है कितना जाएगा, करीबन 190, 95, 200 की कुछ भी जा सकता है, वो तो पेपर के उस पर भी आएगा कि पैटर्न कैसा है, 210 से ज्यादा भी जा सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस का, अगर ये भले ही आरओ वाला पेपर हो, लेकिन जो यूपी पीसीएस में परीक्षा का पेपर बनाने वाले लोग हैं ना, वो नए लोग हैं, भले ही इसका पैटर्न जो है आरओ से लिया गया हो, सिलेबस भले ही आरओ से लिया गया हो, लेकिन वो तो एक छलावा होता है, एक सिलेबस तो एक, अब जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो इतना बड़ा पॉइंट है, उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसमें सरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कठिन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पुराना भले ही सिलेबस हो लेकिन टीम नई है, और जो नई टीम है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। अपर पीसीएस 2019 का जिन लोगों ने नहीं पेपर देखा है वो जरूर देखिए एक बार, उसका मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। तो वो वाला पेपर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस के जितने पेपर हैं वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट हुआ हो। तो 2019 का भी एक बार प्री देख लीजिएगा, 2018 का भी प्री देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, 2019 और 2018, वो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको देखना बहुत जरूरी है वो, ठीक है। तो ये है, और प्लस आपको जो सब्जेक्ट मैंने बताए 8, उसमें जो 8 पॉइंट बाकी है वो सब जीएस के मोटे मोटे पॉइंट है। साइंस में क्या करना है, साइंस में मैंने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक दी थी पहले,
लेकिन वो 1800 स्लाइड की थी, हमने आपके लिए अलग से फिर से उसको पूरा जो है एडिट करवा के 400 पेज में दे दिए। आप जो है आप आराम से जो है कर सकते हैं उसको, अगर एक पेज के दो साइड वो प्रिंट निकालेंगे तो 200 पेज में हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे प्रिंट हम नहीं चाहते हैं कि आप प्रिंट निकालें, पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ से ही पढ़िए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। साइंस के लिए वो वाली पीडीएफ प्लस हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ जो एकदम बिल्कुल रट डालिए, प्लस जो साइंस का टेस्ट में होगा, और बाकी कुछ मैं स्पेशल से दूंगा वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल जो है चीज़ें दी जाएंगी आपको फरवरी एंड में, कुछ जितनी भी हमने कंपाइलेशन दी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी नई पीडीएफ आपको देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो उसमें इंप्रूवमेंट किए गए हैं वो मैं अलग से चार चार पांच पांच पेज में दे दूंगा, ठीक। तो वो कर लीजिएगा। प्लस पॉलिटी की बात रही तो पॉलिटी में भी इतना कोई आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। पॉलिटी में कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, बस उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर कहाँ से बोरो किए, इसको तो रटना है बिल्कुल, ठीक है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है कि कौन सा एक्ट आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके फीचर क्या है, ये सब चीजें ये पूछते हैं। फंडामेंटल राइट कितने हैं, उनके आर्टिकल और किस आर्टिकल से कौन सा संबंधित है, ये बस अंदर नहीं कोई बहुत ज्यादा घुसेगा, ठीक है। ये सब चीजें, इमरजेंसी में कौन से फंडामेंटल राइट को जो है वायोलेट किया जाता है, नहीं करते हैं, प्लस डीपीएसपी कितने हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन करता है, ठीक है, और कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी चीजें, कितने शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये एज लिमिट होती है, प्लस टाइम पीरियड किसका कितना है, और प्लस जो जितनी बॉडीज हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, कितने एज तक रहती हैं। आप सिंपल क्या करिए, पॉलिटी की मेरी प्लेलिस्ट उठाइए जो यूट्यूब में दी गई है, ठीक है, यूट्यूब में दी गई है वो, मैं इसमें भी लिंक दे दे रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट को जो है बिल्कुल पूरा ध्यान से देख डालिए। अभी पॉलिटी का एक वीडियो में और दूंगा, ऐसा काफी दिन से प्लान कर रहा हूं, जो ये जितने टॉपिक पूछे जाते हैं बस यही चीज उसमें डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। तो ये वाले मैं आपको एक वीडियो दूंगा अभी डे वाइज क्लासेस में, ना सोच रहा हूँ इसको दे दूंगा एक, तो टेंशन मत लीजिएगा वो वाला, लेकिन पॉलिटी का जरूर देख लीजिएगा, ठीक। पॉलिटी हो गया, और प्लस मैंने आपको एक कंपाइलेशन दिया है उसको पढ़ लेंगे, उसके साथ ये जो लक्ष्मीकांत की जो दी हुई है, अगर आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसको पढ़ना जरूरी है, वरना कम से कम ये वाले टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट आपने देख ली तो हो जाएगा सफिशिएंट उसमें। उसके बाद अगर आप बात करें हिस्ट्री, हिस्ट्री का मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने तीन समरी दी है उसको रट डालना बिल्कुल, ठीक है, उसको रट डालना बिल्कुल। जो तीन समरी दी गई है, एस के पांडे की एंशियंट और एस के पांडे की मिडिवल, और जो है ये स्पेक्ट्रम वाली आपकी मॉडर्न, और इस पे जो ये मॉडर्न वाली बुक है उसके हिंदी इंग्लिश के कुछ पेजेस दिए थे मैंने, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इतना तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है कि इसको आप हटा दें, और प्लस मेरी हिस्ट्री की कंपाइलेशन वाली, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा बिल्कुल। हिस्ट्री में रटने वाला सब्जेक्ट है, बार बार चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी हिस्ट्री। अगर आप 55 दिन हैं, आप डेली भी 1 घंटा टारगेट रखिए कि डेली 1 घंटा देना ही देना है आपको हिस्ट्री में। हिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई बार डेट घुमा फिरा के इधर उधर से पूछ लेते हैं, लेकिन जितना मटेरियल दिया गया अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप हो जाएगा आराम से, सिंपल है इसमें। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में मैं बताऊं, मेरी प्लेलिस्ट देख डालिए एक बार यूट्यूब वाली, काफी सफिशियंट है वो, और प्लस जो कंपाइलेशन वाली है वो देख लीजिएगा। महेश बनवाल की मैंने समरी दे दी है, उसमें लिस्टिंग होती है, वही पूछते हैं एग्जाम में, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की मैंने NCERT 9 से लेकर 12 तक का एक PDF दिया हुआ है, एक बार उसको बस रीडिंग मारिए। वैसे वो जरूरी नहीं है कोई, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछते नहीं है UPPCS में, ज्यादातर इकोनॉमी में फैक्ट और करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और मिनरल का प्रोडक्शन डेटा दिया है आपको, वो रट डालिए। एक मैंने और PDF दी है कलर्स इन वेजिटेबल और क्रॉप डिसीजेस की, वो वाली पढ़ डालिए, क्योंकि वो UPPCS का स्पेशल टॉपिक है, वो मैंने सबसे पहले ही दे दिया था। नहीं हो तो प्लीज आप जो है डिस्कशन वाले में मांग लीजिएगा, आपको ग्रुप में ऑलरेडी दे दी गई है। प्लस इकोनॉमी का एक शॉर्ट जो है शॉर्ट पापा वीडियो का फॉर्म दिया गया है, D14 था वो, UPPCS 2019 का, वो वाला रट डालिएगा डेटा। ये चीजें करनी जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमी में इतना करेंगे काफी है, बाकी मैंने बता ही रखा है, बजट वजट तो आएगा ही, वो अभी आपको अपडेट किया जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए जो कंपाइलेशन दी उतना रट डालिए, बस उतना सफिशियंट है, बाकी जो उसमें स्पेशल कुछ बातें होंगी वो बताई जाएंगी। और अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया,
ज्योग्राफी हो गया और आपका साइंस बता दिया मैंने, इन्वायरमेंट बता दिया, इन पे बस इतना फोकस करना है डेली के जो है। अब आप स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए, कोशिश करिए 6-7 घंटे जरूर पढ़िए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए अपने, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो जो वहाँ पे UPPCS वालों को किसी की डली नहीं हुई है, अगर आपको जो है वो पोस्ट चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप चाहे मुझे ज्वाइन कर लो चाहे किसी भी ज्वाइन कर लो, कोई भी गाइड कर सकता है, मटेरियल दे सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। हर समय ये जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ 309 पोस्ट है, आपको एक पोस्ट चाहिए। मेंस में जाने के लिए आपको टॉप 5,000 में आना पड़ेगा, कम से कम टॉप 4-5,000 में आना पड़ेगा, वरना मेंस की टिकट जो है कैंसिल है, ऐसे नहीं मिल सकती है। और आप लोग एक से एक जो है यहाँ पे टीचर हैं, तो कंपटीशन भी कोई बहुत हलवा नहीं है। कई इसमें ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पहले UPPCS को बहुत बार प्रयास किया है, ठीक है, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं। कई बार जो है ऐसा होता है जो बहुत फ्रेशर होते हैं, बहुत एवरेज माइंडेड जो लोग होते हैं वही निकालते हैं एग्जाम, क्योंकि वो उनमें बस ये एक चीज होती है कि ट्रस्ट। पहली बात तो ट्रस्ट किस पे, कि हमने जो मटेरियल दिया है वही पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जो है कर ले जाएंगे, पढ़ते जाइए अभी लगातार। वहां पे ऑब्जेक्टिव है, अभी लिखना नहीं है, तो ज्यादा फोकस करिए प्री पे, अब फैक्ट रटने पे फोकस करिए। वैसे भी आपका जो मेंस है वो सितंबर में है, मेंस में तो तभी जाओगे ना जब प्री क्लियर करोगे, तो पहले प्री क्लियर करना जरूरी है। मेंस की तो बात की बात है, ठीक है, जितनी चीजें दी गई हैं रट डालो। अगर आप जो है यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है बीओ की, कम से कम वो प्लेलिस्ट देख डालो पूरी, उसमें काफी सफिशियंट चीजें हैं, प्लस जो अपडेट होंगे वो सब उसमें जोड़ते जाएंगे। पूरी तरह से आपके साथ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो है पहला स्टेप आप ही को उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट को मत करिए, मोनोटोनस हो जाता है, दिमाग में जो है एक्सेप्ट नहीं होती चीजें। डेली 6-7 घंटे का टारगेट रखना पड़ेगा, वरना बीओ की जो है कहानी बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, सब आप पे डिपेंड करता है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा कोई भी, कि अगर किसी ने पहले आरओ का और ये सब निकाल रखा है, अब चीजें बदल रही हैं, रट्टाफिकेशन इतनी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें आपको दी गई हैं, इसीलिए जो मैंने जितना दिया है उतना चीजों में हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूरी है UPPCS के, वो भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा, एक बार आप उसको देख जरूर लीजिएगा। जीएस वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जीएस में करंट अफेयर वाले छोड़ दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, ठीक है, वो जरूरी है थोड़ा। तो ये वाले शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अलविदा करता हूँ आपको, और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, जो भी चीजें होंगी हम लोग पूरा लगे हुए हैं आपके साथ कि बीओ में सिलेक्ट करा के मानना है। लेकिन पहली बात तो यही है कि आप अगर को खुद आगे चलना पड़ेगा, और भरोसा रखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्ट होंगे जरूर। बस ये है कि सब कुछ पढ़ना है जो भी दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी जो होंगी उसको ध्यान से देखनी है। अगर एक में नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, रोने धोने की जरूरत नहीं है, उससे ये सीख लो कि वो वाला क्वेश्चन आगे गलत ना हो जाए, बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑल द बेस्ट, जय हिंद।